हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू थर्ड डे ऑफ उत्तराखंड ट्रिप। तो भाई रात को जैसा कि आपने कैंपिंग के देखा होगा लास्ट, तो भाई कैंपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उन्होंने हमको वादा कुछ और किया था और दे कुछ और दिया। तो भाई उसके बाद हमने पैसे वापस मिल गए थे। तो अब हम रात को ही ऋषिकेश आ गए थे, तो हमने ओल्ड बस स्टैंड के पास एक रूम लिया है। तो बस वही भाई, अब चाय और मैगी बन रही है तो वो लेके चलता हूँ, फिर जाएंगे आज नीलकंठ। भाई बहुत दिमाग ख़राब था, कल ब्लॉग एंड करने का ही मन नहीं था क्योंकि दिमाग फट रहा था बिल्कुल, क्योंकि मतलब एक धोखा हो जाता है ना तो बंदे के साथ, तो अंदर से टूट सा जाता है, तो वही हमारे साथ हो गया था कल। तो साहिल और मैं तो भाई उदास हो गए थे बहुत, क्योंकि रात का टाइम था ना, हम वापस जा सकते थे ना आ सकते थे। तो फिर एक अंकल मिले थे तो वो छोड़ने आए थे हमें, क्योंकि वो अपनी लड़की को छोड़ने आ रहे थे। तो भाई पहले करते नाश्ता, फिर थोड़ी देर में चलते नीलकंठ। तो गाइस वेलकम अगेन। तो भाई मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, कुर्ता पजामा पहना है, पंडित जी लग रहा हूँ या नहीं बताना जरूर कमेंट में, क्योंकि भाई मेरे को तो लग रहा था। तो भाई हम आ चुके जानकी झूला, वहाँ खड़ी हैं ट्रैफिक गाड़ियाँ जो हमें ले जाएंगी अब नीलकंठ। तो भाई आप जानकी झूला आ सकते हो डायरेक्ट अपना, जहाँ से भी ऑटो पकड़ के, और वहाँ से 100-100 रुपये में वो ही ले लेते हैं, 100 रुपये आने के और 100 रुपये जाने के, दोनों के वही ले लेते हैं। तो वो दर्शन करा के ले आएंगे, और एक घंटे का रास्ता है समथिंग। तो अब तो दोपहर हो चुकी है, तो हम खाएंगे वेज बिरयानी, चावल होते हैं वो पुलाव टाइप के। तो भाई अब वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी तो वो सवारी मिलेंगे, गाड़ी हमें बैठाएंगे, फिर चलते हैं नीलकंठ। जय शंकर महाराज। तो सर कितना एक्साइटेड हो नीलकंठ जाने के लिए? देखिए चावल हो, कितना है, कितना एक्साइटेड हो, अंदर से कितनी उत्सुकता है महादेव से मिलने के लिए? महादेव से मिलने की। चलिए भैया अभी तो वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि जब तक बंदे नहीं भरेंगे गाड़ी में तब तक जाएंगे नहीं, तो देखते कितना टाइम लगेगा। आए हाय एंजॉय ले रहे हैं। नीलकंठ आ चुके हैं, देख लीजिए पूजा की थाली है मंदिर में चढ़ाने के लिए भोले बाबा पे। तो गाड़ी खड़ी करिए पीछे, तो थोड़ा सा पैदल यात्रा है, फिर वहाँ जाके आगे देखते हैं, देख लीजिए पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। तो अब चलते हैं महादेव के मंदिर, देखते हैं भीड़ है या नहीं, फिर आएंगे दर्शन करके अच्छे से भोले बाबा के। नीलकंठ की मार्केट। महादेव के मंदिर में आगमन होना है अभी। ये आ गया मंदिर प्रवेश द्वार, ये मंदिर का रास्ता। कंठ मंदिर का फर्स्ट लुक बाहर से। शंकर भगवान की सभी देवी देवताओं को सादर प्रणाम। अटलो वीडियो बन जगी। गाइस ये थे नीलकंठ महादेव के मंदिर, और आपने देखे भी होंगे दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं भाई। वीडियो का आप नाम बना के रखा, फिर मैं कैसे ना कैसे चेक कर रहा हूँ, तो वापस दिखा देता हूँ ऊपर। भैरव मंदिर के दर्शन कर लो सभी। जय भैरव बाबा। तो गाइज ये है अखंड धूना जो भोले बाबा श्रृंगार करते हैं उस चीज का। गाइज दर्शन हो गए बहुत बढ़िया से, तो अब निकलते हैं बाहर
और ये है महादेव के मंदिर जो नीलकंठ मंदिर है उसकी बैक साइड। अब आगे देखते हैं क्या व्यू रहेगा, जो भी है वरना फिर चलते हैं बाहर, ये फोटो वगैरह लेंगे यहाँ नीलकंठ मंदिर के लिए, क्योंकि दिस इज जन्नत, रियल जन्नत। तो भाई यहाँ है सिद्ध समाधि स्थल, अंदर देखते हैं क्या है। शंभु बाबा है, गंगा जल चढ़ाया जा रहा है, मक्खी वगैरह बैठी है। गाइस बाहर मंदिर से बाहर निकलते हैं, ये मंदिर से बाहर जाने का गेट, चलते हैं टैक्सी ऑप्शन। भाई नीलकंठ मंदिर से तो आ गए थे, अब टैक्सी खड़ी है अपनी, उससे पहले यहाँ एक मंदिर, तो यहाँ देखते हैं क्या है क्या नहीं। गाइस अब आए भाई यहाँ पे ऋषिकेश वापस, यहाँ पे जानकी सेतु के पास उतरे हैं, आगे पीछे हैं जानकी सेतु और राम झूला। तो भाई ऊपर हो गया था नीलकंठ पे, बहुत मौसम ख़राब, तो यहाँ भी तेज़ हवा चल रही है, बिल्कुल देख लो कब खेल रहे हैं। तो उससे पहले बारिश आए चलते हैं अपना हरिद्वार, तो मिलते हैं वहीं। गाइस शाम हो चुकी है और अब आए भाई हरिद्वार पहुँच गए, गंगा जी पे हैं। तो अब भाई देखते हैं पहले रूम, फिर घूमेंगे मार्केट, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या रहेगा। रूम देखते हैं पहले, क्योंकि आज है वीकेंड और वीकेंड में रूम हो जाते हैं डबल, तो देखते हैं क्या रेट रहेगा, क्योंकि जो हम पहले दिन हरिद्वार आए थे वही रूम आज हमें डबल रेट पर मिल रहा है, तो हालत ख़राब होने वाली है, आज रूम का रेट कम कराने भाई। बात तो सही है। तो गाइस रूम देखते देखते भाई हमारे कम्युनिटी के भाई मिला है, नाम है वीकेंड विद गौरव। तो भाई स्टार्टिंग है दोनों यूट्यूबर्स की, तो भाई अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मैंने देखी है वीडियो। तो क्या कहना चाहूँगा, एक्चुअली ये कि हम लोग कोइंसिडेंट अभी मिले यहाँ पे और इनका मैंने चैनल देखा, इन्होंने मेरा चैनल देखा, विवेचना कर रहे हैं, मैं कहूँगा इन्हें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंडों के साथ, और काफ़ी अच्छे कंटेंट ये देंगे आपको, ये मेरा वादा है, देंगे ना। यस यस। तो भाई भाई के चैनल पे जरूर विजिट करना, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा इनका, ये इनके चैनल का जब वीडियो आएगा हरिद्वार का। हाँ तो भाई देखना जरूर, सब्सक्राइब करना दोनों को और शेयर करना। थैंक यू भैया, तो गाइस शाम हो चुकी है, होटल ले लिया है, अब निकल रहे हैं शॉपिंग पे, तो कुछ देखते हैं फिर खाना खाएंगे। तो गाइस अब करते हैं भाई व्लॉग को एंड, आज था उत्तराखंड ट्रिप का डे 3। तो भाई बेस्ट ट्रिप रहा भाई मेरा, तो कैसा रहा सर आपका ट्रिप? मेरा ही बेस्ट रहा भाई, कुछ इंजॉयबल मोमेंट या इंजॉय? तो भाई राफ्टिंग करने गए थे, राफ्टिंग वालों ने गंगा के जमा बीच में कूदा दिया। मैं मना कर रहा था, बोले कूदना है। यहाँ से बेल्ट पकड़ के कूदा दिया। तो भाई बाकी आप व्लॉग में देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कितना इंजॉय किया है भाई। बेस्ट जगह है हरिद्वार, और दे ऋषिकेश हो गया और आगे भी हैं। कैंपिंग में तो देखो लोगों को बहुत इन्जॉय होता है, लेकिन हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना बेकार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई अब करते हैं व्लॉग को एंड, कल निकलना है वापस गोहाना के लिए, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए, घर वाले बोलेंगे बेदखल नहीं कर रखे हो तुम, घूमने गए हुए हो, ज़्यादा दिन भी नहीं रुके थे। भाई तो फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में,
नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय शंकर महाराज, जय बाबा जी। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side.